हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का पार्ट 15 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 14 तक आप पढ़ चुके हैं और पार्ट 14 में आपने पढ़ा था संकरण के प्रकार, है ना। आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है संकरण की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कुछ यौगिक दे दिया जाता है, कुछ षड्सूत्र दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इस यौगिक के संकरण का प्रकार बताइए, इसमें इस यौगिक में कौन सा संकरण पाया जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है ना, कि इस यौगिक में कौन सा संकरण पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो चलिए एग्जाम्पल में चलते हैं कि आपको पहला एग्जाम्पल दिया गया है NH3 अणु। क्या दिया गया है? NH3 अणु के बारे में दिया गया है। NH3 के बारे में बात करते हैं तो क्या बनेगा कि नाइट्रोजन का बॉन्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन का बॉन्ड स्ट्रक्चर ये होता है और नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से कि 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो चुका है और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे शेष बच जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं? शेष बच जाते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर चलेंगे, हमें 3 चीजें ज्ञात होनी चाहिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कौन सा, कितने सिग्मा है। तो आपको पता है कि पहले भी बताया जा चुका है कि जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यानी हर एक सिंगल बॉन्ड पे सिग्मा बंध पाया जाता है। तो यहां पर कितने सिंगल बॉन्ड है? 1, 2, 3 सिंगल बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? 3 हो जाती है, ठीक है ना। दूसरी लाइन में क्या चाहिए? नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है जो संयोजी कोष में हो लेकिन उनका किसी के साथ कोई साझेदारी या किसी के साथ कोई बॉन्ड ना बना हो, उसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहां पर देखेंगे 2 है, 2 मतलब एक जोड़ा, पेयर, पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा, पेयर, पेयर माने क्या होता है? जोड़ा, एक है। यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो कितने हैं? 0। कहीं पर यहां पर आपको ये तीर दिख रहा है क्या? तीर वाला बॉन्ड नहीं दिख रहा ना, तो टोटल मान आपको हो जाता है 3 और 1 4। 4 का मतलब 4 कक्षिके, 4 का मतलब 4 कक्षिके, 4 कक्षिके किसमें बनती हैं? वो होता है sp3 संकरण, ठीक है ना। यानी NH3 में कौन सा संकरण पाया जाता है? NH3 में sp3 संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण होता है, ठीक है ना। ये था पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 है CH4 अणु, ठीक है ना। CH4 के बारे में दे रहा है, तो अब CH4 का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बने? HC सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये होता है CH4। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन की बाहरी कक्षा में, और वही 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। तो अब हम ये गणना क्या करेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड है, ओके। और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 4 सिग्मा बॉन्ड कहां से है? 1, 2, 3, 4, 4, है ना, और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों की वो साझेदारी कर चुका है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 0। फिर ले लेते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बराबर कितने हैं? वो भी 0 है, टोटल मान 4 हो गया। 4 का मतलब कौन सा संकरण हो गया? sp3 संकरण। 4 का मतलब sp3 संकरण पाया जाता है, ठीक है ना। 4 का मतलब ये हुआ कि इसमें भी sp3 संकरण पाया जाता है, ठीक है। अब नंबर 3 पर, एग्जांपल नंबर 3 है PCl5 अणु। तो PCl5 का अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाए तो PCl
एंड देन सी, ये बनता है, ठीक है ना। PCl5 का बॉन्ड स्ट्रक्चर ये बना। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने सिंगल बॉन्ड है, एक और दो, दो सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो भी कितने हैं, जीरो। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बराबर कितने हैं, एक दो तीन, तीन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टोटल मान पांच हो गया। मतलब कि PCl5 में sp3d संकरण पाया जाता है, ठीक है ना। पांच कक्षकें किसमें बनती हैं, sp3d संकरण में, तो इसमें sp3d संकरण पाया जाता है, ठीक है। नंबर चौथा है, एग्जांपल नंबर चार देखते हैं, वो दिया गया है H2O। क्या दिया गया है, H2O अणु दिया गया है, ठीक है। अब H2O का अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर देखें तो ये बनता है, और H2O की बाहरी कक्षा में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा, जिनमें से दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो चुका है और चार इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, चार इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू कितने हैं, दो, एक दो। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, पेयर के हिसाब से देखिए, चार इलेक्ट्रॉन इसमें बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, चार इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और चारों इलेक्ट्रॉनों का मतलब पेयर के हिसाब से दो हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नहीं, तीर है नहीं, तो टोटल मान चार हो गया, मतलब इसमें कौन सा संकरण हो गया, sp3 संकरण, ठीक है ना। टोटल मान अगर फोर आ रहा है तो इसका मतलब संकरण का प्रकार क्या होगा, sp3d संकरण होगा, ठीक है ना। क्या होगा भैया, sp3d संकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके एग्जांपल्स, और अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिनकी हम बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा एग्जांपल, अगला एग्जांपल है वो है CO2 लेते हैं, ठीक है ना। नंबर पांच पर CO2 लेते हैं, CO2 अणु। CO2 का अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर बना है तो O C और O, O डबल बॉन्ड डबल, है ना। ये द्विबंध बनाता है, ठीक है ना। कौन बनाता है, CO2 बनाता है द्विबंध। तो यहाँ पर CO2 का डबल बॉन्ड बन गया। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक। जहां पर डबल बॉन्ड होता है, जहां पर द्विबंध होता है, वहां पर एक सिग्मा और एक पाई बंद होता है, एक सिग्मा और एक पाई बंद होता है। लेकिन यहां पर हमें पाई बंद की तो आवश्यकता है नहीं, तो हम पाई बंद नहीं लेंगे, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड कितने हो गए, दो। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो तो जीरो है, क्योंकि कार्बन पे चार होता है, दो ये ले गया, दो ये ले गया, दो दो की साझेदारी हो गई, तो कुछ बचे ही नहीं, है ना। अब लिखते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहां पर कोई तीर भी नहीं लगा है तो जीरो हो जाएगा। टोटल मान दो आया, दो का मतलब कौन सा संकरण हो गया, एसपी संकरण, दो का मतलब एसपी संकरण हो जाता है, ठीक है ना। यानी दो में कौन सा संकरण है, sp2 संकरण पाया जाता है। अगला एग्जांपल देते हैं C2S6 यानी कि एग्जांपल नंबर 6 अणु, ठीक है। अब इसका अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इसमें दो कार्बन है तो हमें प्रत्येक कार्बन में संकरण बताना होगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको नजरअंदाज करें तो ये कंडीशन है, और इसको करें तो ये कंडीशन है ना।
नजरअंदाज करते हैं थोड़ी देर के लिए, यानी प्रत्येक में चार चार सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, चार चार सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और जब चार चार सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं तो हम संकरण कैसे निकालते हैं, देखिए चार चार सिंगल बॉन्ड हो रहे हैं, चार का मतलब यानी प्रत्येक कार्बन में, लिख सकते हैं प्रत्येक कार्बन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू चार है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये भी आपके जीरो हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये भी जीरो है, टोटल मान चार आता है, चार माने sp3 संकरण इसमें भी है और sp3 इसमें भी है, यानी दोनों में sp3 संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण मिलता है, sp3d संकरण, sp3 संकरण है, ठीक है। अब आगे आपका एग्जांपल दिया गया है कि सवाल नंबर 7 C2H4 अणु, यानी एथिलीन गैस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एथिलीन गैस की बात करते हैं, एथिलीन के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण होता है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, होगा H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये कंडीशन आती है, ठीक है ना। अब जब ये कंडीशन हमारी आती है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये गलत हो जाता है, ऐसा नहीं बनेगा, ये बनेगा एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड, या इसको और खोल देते हैं ना, इसको और डिटेल करते हैं थोड़ा सा, तो ये बनेगा एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड एच, ठीक है, ये बनता है हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो दोनों कार्बन की कंडीशन सेम टू सेम है, दोनों कार्बन की कंडीशन सेम टू सेम है, तो लिख सकते हैं प्रत्येक कार्बन में, प्रत्येक कार्बन में तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 3, 1 2 1 2 3 है ना, और 1 2 3 ऐसी कंडीशन होती है ना, इसकी भी ऐसी होती है, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अब यहां पर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इक्वल टू 0, टोटल मान 3 हो गया है ना, 3 का मतलब कौन सा संकरण हो गया, तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रत्येक कार्बन में sp2 संकरण है, कौन सा है, sp2 संकरण है, ठीक है। आठवां नंबर है C2H2 अणु, इसका अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर बने H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H बनता है, दोनों कार्बन की सेम कंडीशन है ना, दोनों कार्बन की सेम कंडीशन है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 1 2, एक कार्बन पे, वैसे टोटल तो 3 सिग्मा है लेकिन एक कार्बन की बात करता है, यानी कि 1 2 1 1 2 1 2 ऐसी कंडीशन, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इक्वल टू 0, टोटल मान 2 आया, 2 का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक कार्बन में है ना, प्रत्येक कार्बन में sp संकरण है, कौन सा है, sp संकरण है प्रत्येक कार्बन में, ठीक है। तो ये थे इसके एग्जांपल, एक एग्जांपल और दिखाते हैं, इसको हम साफ करते हैं, हमारे ख्याल से इतने सारे एग्जांपल्स हो गए और आपको संकरण निकालना भी आ गया होगा, है ना, किस तरह से संकरण निकालते हैं। एक सवाल नंबर 9 है C6H6, यानी बेंजीन दिया गया है,
इसके प्रत्येक कार्बन पे संकरण आपको बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, सी आपको पता है बेंजीन में प्रत्येक कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड यानी एकांतर क्रम में जुड़ा होता है, एकांतर क्रम में, ठीक है ना। और इसके साथ में जो हाइड्रोजन है वो ऐसे जुड़ी होती है कुछ इस तरीके से, ये ठीक है, ये कंडीशन होती है किसकी, बेंजीन अणु की। बेंजीन के बारे में इतना कुछ होता है। अब इसके बाद में अगर हम चले आगे तो क्या बना सकते हैं, इसमें हमें बताना है सिग्मा संकरण कौन सा है। प्रत्येक कार्बन की एक ही कंडीशन है, सेम कंडीशन है, तो लिख सकते हैं प्रत्येक कार्बन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब प्रत्येक कार्बन का मतलब है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए केवल इतने भाग को अपने पास रखें तो इसकी कंडीशन देख लेंगे, है ना। एक दो तीन सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, ऐसे एक दो तीन ऐसे गिना जाए, ठीक है। फिर नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो भी नहीं बचा, जीरो है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो भी आपका जीरो है, टोटल मान तीन है। तो लिख सकते हैं क्या कि प्रत्येक कार्बन में sp2 संकरण है, कौन सा है, sp2 संकरण पाया जाता है प्रत्येक कार्बन परमाणु पर, ठीक है, sp2 संकरण। तो ये थे संकरण के निकालने के नियम या संकरण ज्ञात करने के नियम, किस तरह से हम संकरण को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका इन उदाहरणों के साथ और पार्ट नंबर 15 के साथ आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, वो कंप्लीट होता है और इसके आगे का जो चैप्टर 5th है वो आपको स्टार्ट होता है, रनिंग पे आता है, ठीक है ना। तो अगले पार्ट में, अगले वीडियो में आपको क्या मिल जाएगा, पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 5 मिलेगा, ठीक है ना। ये है आपका क्लास 11th का, क्लियर हुई बात। अब हम इसके आगे चलते हैं, तो क्लास चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। और इसी के साथ में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके प्लेलिस्ट पे जा करके आप सारे वीडियोस क्लास वाइज देख सकते हैं, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज देख सकते हैं, ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद।